राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल सरेंडर योजना से प्रभावित होकर जिले भर से दर्जनों नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इस बीच 7.5 लाख की इनामी नक्सली मलाज खनेरिया कमेटी सदस्य टोप्पो उर्फ अजीत उर्फ लच्छू ने दुर्ग रेंज के आईजी डीआईजी रतनलाल डांगी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल सरेंडर योजना से प्रभावित होकर जिले में दर्जन भर से अधिक नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आज फिर उसी कड़ी में 7.5 लाख के इनामी नक्सली मलाज खंड एरिया कमेटी सदस्य टोप्पो उर्फ अजीत उर्फ लच्छू उम्र 30 वर्ष ने आज आईजी दुर्ग रेंज डीआईजी रतनलाल डांगी जिले के एसपी कमल लोचन कश्यप के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इनामी नक्सली टोप्पो 2009 से नक्सली संगठन के साथ जुड़ा हुआ था। 2009 से अभी तक जिले में हुई कुल 4 नक्सल घटनाओं में शामिल था। आत्मसमर्पित नक्सली टोप्पो ने बताया कि संगठन से बड़े कैडर के नक्सलियों की दमनकारी नीतियों से परेशान होकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण का मन बनाया। 2009 से नक्सल संगठन के साथ जुड़कर टोप्पो 2011 तक कोरची एरिया कमेटी में काम किया। वर्ष 2012 में CCM दीपक तेल तुमने का गार्ड बनाया गया। 2012 से 2014 तक CCM दीपक तेल तुमगे के बॉडीगार्ड के रूप में कार्य किया। 2015 में पुना कोरची तलम में काम किया। 2016 में टाडा एरिया कमेटी में ट्रांसफर किया गया। वर्ष 2017 में मलाज खंड एरिया कमेटी में ट्रांसफर किया गया, जहां अब तक काम कर रहा था। जंगल में मूवमेंट के दौरान रखता था 303 राइफल। आज राजनांदगांव पुलिस के समक्ष मलाजखंड एरिया कमेटी का सक्रिय माओवादी राजेश टोप्पा उर्फ अजीत ने आत्मसमर्पण किया है। इस पर कुल 5 लाख रुपए का इनाम है और यह छत्तीसगढ़ और बालाघाट के बॉर्डर पर सक्रिय था। यह अपने दल को छोड़कर आया है और शासन की पुनर्वास नीति और राजनांदगांव पुलिस द्वारा माओवादी क्षेत्र में किए जा रहे अच्छे कामों से प्रभावित होकर इसने आत्मसमर्पण किया है। इसके पुनर्वास की राज्य शासन के जो भी नियम है उसके तहत पूर्ण व्यवस्था की जाएगी। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट, ACN 24।